हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते। मैं राहुल चौधरी, कृष्णा अकेडमी के यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। प्रिय मित्रों, राजस्थान के भौतिक प्रदेश की सीरीज लेके चल रहे थे और राजस्थान के भौतिक प्रदेश में अपना अंतिम पार्ट आज जो आपका बचा है, पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश का शुष्क पार्ट अपन कंप्लीट कर चुके हैं। आज पश्चिम मरुस्थलीय प्रदेश का अर्ध शुष्क पार्ट पढ़ेंगे। आपको पता है कि पश्चिम मरुस्थलीय प्रदेश को दो भागों में बांटते हैं। पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश को कितने भागों में बांटते हैं? दो भागों में बांटते हैं। देखिए, पश्चिम मरुस्थलीय प्रदेश को दो कौन कौन से भागों में बांटते हैं? एक तो शुष्क और एक अर्ध शुष्क। शुष्क और अर्ध शुष्क। शुष्क प्रदेश का विस्तार चार जिलों में है, जोधपुर, बाड़मेर, जैसलमेर और बीकानेर। यह शुष्क है जहां पर 0 से 25 सेंटीमीटर की वर्षा होती है। और दूसरा पार्ट है आपका अर्ध शुष्क। दूसरा पार्ट कौन सा? आपका अर्ध शुष्क। ये वाला पार्ट आपका अर्ध शुष्क है। कौन सा? अर्ध शुष्क। और अर्ध शुष्क में जो वर्षा होती है वो होती है अर्ध शुष्क। इसमें जो वर्षा होती है वो होती है 25 से 50 सेंटीमीटर वर्षा होती है। तो 25 सेंटीमीटर से कम वाला शुष्क और 25 से 50 वाला अर्ध शुष्क। अर्ध शुष्क को और बोलते हैं राजस्थान का बांगर बोलते हैं। राजस्थान का क्या बोलते हैं? बांगर। तो पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश को दो भागों में बांटते हैं, शुष्क भाग और अर्ध शुष्क भाग। अर्ध शुष्क को बोलते हैं राजस्थान का बांगर। शुष्क हम पढ़ चुके थे, आज अपन पढ़ेंगे अर्ध शुष्क, जिसे बोलते हैं राजस्थान का बांगर। अर्ध शुष्क को वापस चार भागों में बांटा गया। अर्ध शुष्क को वापस कितने भागों में? चार भागों में इसको डिवाइड किया गया है। अर्ध शुष्क को वापस चार भागों में कौन कौन से? यहां पर गंगानगर और हनुमानगढ़ है। यहां पर गंगानगर और हनुमानगढ़ है, इसलिए इसे बोलते हैं गंगानगर। और हनुमानगढ़ में जो नदी बहती है गग्गर, इसलिए गंगानगर और हनुमानगढ़ जहां है उसे बोलते हैं गग्गर बेसिन। क्या बोलते हैं? गग्गर बेसिन। और यहां पर सीकर, चूरू और झुंझुनू, सीकर, चूरू और झुंझुनू यहां पर शेखावटी क्षेत्र के नाम से जाना जाता है। सीकर, चूरू, झुंझुनू के क्षेत्र में आते हैं, शेखावटी क्षेत्र के नाम से जाना जाता है। और यहाँ पे फिर आता नागौर, और नागौर को नागौरी उच्च भूमि, नागौरी उच्च भूमि के नाम से जाना जाता है। उसके बाद जो जिले आते हैं वो आते हैं जालौर और पाली। पाली और जालौर, पाली और जालौर में मुख्य रूप से नदी बहती है लूणी, और उसकी एक सहायक नदी है जवाई, इसलिए इसे लूणी जवाई बेसिन कहा जाता है। लूणी बेसिन या लूणी जवाई बेसिन भी कहा जाता है। तो पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश को कितने भागों बांटा? दो भागों बांटा था, शुष्क और अर्ध शुष्क। 25 सेंटीमीटर से कम वर्षा वाला शुष्क और 25 से 50 सेंटीमीटर वाला अर्ध शुष्क। अर्ध शुष्क को और किस नाम से जानते हैं? राजस्थान का बांगर कहा जाता है। अर्ध शुष्क में कौन कौन से जिले आते हैं? तो गंगानगर हनुमानगढ़ आता है, सीकर, चूरू, झुंझुनू आता है, नागौर आता है और पाली जालौर आता है। अर्ध शुष्क में कितने जिले आते हैं? 8। शुष्क में कितने आते हैं? 4। 8 और 4 12, जिनमें मरुस्थल का विस्तार है। तो मरुस्थल का विस्तार कितने जिलों में? 12 जिलों में। शुष्क में कितने जिले आते हैं? 4। और अर्ध शुष्क में कितने आते हैं? 8। और 8 जिलों को, ठीक है, वापस अपन चार उपप्रदेशों में बांटा गया है। तो अर्ध शुष्क को कितने भागों में बांटा गया है? 4। तो अर्ध शुष्क में चार कौन कौन से हैं? गग्गर बेसिन, शेखावटी, नागौरी उच्च भूमि और लूणी बेसिन, ये अर्ध शुष्क में आते हैं। किस में आते हैं? अर्ध शुष्क में। और आज अपना चैप्टर है अर्ध शुष्क प्रदेश, तो अपन इन चारों के बारे में डिटेल से एनालिसिस करेंगे कि किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं और क्या पैटर्न इनका रहता है। तो हेडिंग है अपनी अर्ध शुष्क प्रदेश, इसे बोलते हैं राजस्थान का बांगर। अर्ध शुष्क प्रदेश राजस्थान का बांगर, इसको कितने भागों में बांटते हैं? तो अर्ध शुष्क प्रदेश को चार भागों में विभाजित किया जाता है। कितने भागों में? चार भागों में विभाजित किया जाता है। चार भाग कौन कौन से? एक गग्गर बेसिन हमने देखा, गंगानगर हनुमानगढ़ वाला क्या हो गया? गग्गर बेसिन। सीकर, चूरू, झुंझुनू वाला क्या हो गया? शेखावटी। नागौर वाला नागौरी चूमी, पाली जालौर वाला लूणी बेसिन। तो देख लीजिए कि ये आपका गग्गर बेसिन, ये शेखावटी, ये नागौरी चूमी और ये लूणी बेसिन, इस प्रकार कितने भागों में बांट दिया इसको? चार भागों में बांटते हैं। और सबसे पहला अपन पढ़ेंगे कौन सा? गग्गर बेसिन। कौन सा? गग्गर बेसिन। तो पहला है आपका गग्गर बेसिन। गग्गर क्या है आपको पता है? गग्गर एक नदी का नाम है। गग्गर एक क्या है? नदी का नाम है, जो राजस्थान में आंतरिक प्रवाह की सबसे लंबी नदी है। और ये कालका हिमाचल प्रदेश से निकलती है, उसके बाद पंजाब, हरियाणा और राजस्थान में आती है, और कभी कभी अच्छी बारिश होने पर ये पाकिस्तान तक चली जाती है, ठीक है। अब देखिए, राजस्थान में आंतरिक प्रवाह की सबसे लंबी नदी कौन सी है? गग्गर नदी। गग्गर नदी राजस्थान में कहां बहती है? तो गंगानगर और हनुमानगढ़ में बहती है। राजस्थान में कहां बहती है? गंगानगर और हनुमानगढ़ में बहती है। तो देखिए, राजस्थान में जहां बहती है उसे बोलते हैं बेसर, बेसिन।
नदी का वह क्षेत्र जहां पर वो प्रवाहित होती है उसे बोलते हैं बेसिन। तो ये राजस्थान के दो जिलों में बहती है, गंगानगर और हनुमानगढ़ में, गंगानगर और हनुमानगढ़ में। तो क्वेश्चन आएगा गगर बेसिन का विस्तार कौन से जिलों में, तो गगर बेसिन का विस्तार दो जिलों में, गंगानगर और हनुमानगढ़। और गंगानगर और हनुमानगढ़ को अयोध्या प्रदेश बोलते हैं, इसलिए अयोध्या प्रदेश की मुख्य नदी कौन सी है, गगर नदी है। कौन सी नदी, गगर नदी। और ये राजस्थान में बहने के बाद पाकिस्तान तक जाती है, तो पाकिस्तान में इसे हकरा के नाम से जाना जाता है। तो राजस्थान में बहने के बाद पाकिस्तान जाती है या दूसरे देश में जाती है, तो ये अंतर्राष्ट्रीय नदी है। तो राजस्थान में बहने वाली एकमात्र अंतर्राष्ट्रीय नदी कौन सी है, बताओ, गगर नदी है। ठीक है, अब आपसे पूछेंगे कि राजस्थान में उत्तर दिशा से प्रवेश करने वाली नदी भी कौन सी है, गगर नदी है। और राजस्थान में हिमालय का जल, क्योंकि कालका की पहाड़ी हिमाचल प्रदेश आती है, तो राजस्थान में हिमालय का जल आने वाली नदी भी कौन सी है, गगर। और आंतरिक प्रवाह की सबसे लंबी नदी कौन सी है, गगर नदी है। अब देखिए गगर बेसिन कौन से जिलों में है, गंगानगर और हनुमानगढ़ में। तो जहां पर गगर नदी बहती है उस क्षेत्र को क्या बोलते हैं, गगर बेसिन कहा जाता है। अब देखिए गगर बेसिन की यदि बात करें तो इस गगर बेसिन में, गगर नदी जहां बहती है वो कौन सी मिट्टी मिलेगी, तो गगर बेसिन में पाई जाने वाली मिट्टी को बोलते हैं काठी। तो काठी क्या है, तो गगर बेसिन में जो मिट्टी मिलती है उसे क्या कहा जाता है, बताओ, काठी कहा जाता है। गगर बेसिन पाई जाने वाली मिट्टी को क्या कहा जाता है, काठी कहा जाता है। और आपको बता दें गगर प्रदेश की यदि अपन बात करें तो गगर प्रदेश में कौन से बालू का स्तूप मिलते हैं, अभी अपने थोड़ी देर पिछले लेक्चर में मैंने पढ़ाया था, पिछले लेक्चर में पढ़ाया था गगर बेसिन में कौन सी बालू का स्तूप पाए जाते हैं, तो ये एग्जाम में पूछा गया बरखान बालू का स्तूप। क्यों, गगर बेसिन, गगर नदी के किनारे दो शहर हैं, गगर नदी के किनारे दो शहर हैं, एक तो है सूरतगढ़ और एक है अनूपगढ़। सूरतगढ़ और अनूपगढ़ ये किसके किनारे हैं, बताओ, गगर नदी के किनारे हैं। तो गगर नदी के किनारे सूरतगढ़ और अनूपगढ़, सूरतगढ़ अनूपगढ़ में कौन से बालू का स्तूप, बरखान बालू का स्तूप। तो स्टार लगा लीजिए, गगर बेसिन में कौन से बालू का स्तूप देखने को मिलते हैं, बरखान बालू का स्तूप देखने को मिलते हैं। अब देखिए राजस्थान की यदि बात करें, राजस्थान का ये राजस्थान है, और राजस्थान के यहां पर उत्तरी भाग राजस्थान में गंगानगर और हनुमानगढ़ में कौन सी नदी बहती है, गगर बहती है। कौन सी, गगर। और गंगानगर और हनुमानगढ़ ऊपर लगाते हैं पंजाब से सीमा, और पंजाब में बहती है सतलज नदी। पंजाब में कौन सी बहती है, सतलज नदी। अब मुझे बताओ, सिंपल सा क्वेश्चन है, गगर बेसिन, गगर बेसिन ये किन दो नदियों के मध्य है, तो गगर बेसिन ऊपर तो सतलज नदी है और नीचे कौन सी, गगर। तो सतलज और गगर के मध्य कौन सा बेसिन है, गगर बेसिन, ये क्वेश्चन पूछा गया आपका। स्टार लगा लीजिए, गगर बेसिन किसके मध्य है, तो सतलज, ऊपर कौन सी बहती है, सतलज, और नीचे खुद कौन सी है, गगर। तो सतलज व गगर के मध्य, सतलज और गगर के मध्य गगर बेसिन है। तो गगर बेसिन कौन सी दो नदियों के मध्य है, तो सतलज और गगर नदियों के मध्य कौन सा बेसिन है, गगर बेसिन है। इसे सरस्वती, द्रस्वती इत्यादि के नामों से भी जाना जाता है। तो हमने गगर बेसिन की बात की, दो एक तीन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन याद रख लेना। गगर बेसिन कहाँ है, जहां गंगानगर और हनुमानगढ़ में जहां गगर नदी बहती है राजस्थान में, उसे गगर बेसिन कहा जाता है। गगर बेसिन में कौन सी मिट्टी देखने को मिलती है, काठी देखने को मिलती है। फिर आपसे पूछा जाता है गगर बेसिन में कौन से बालू का स्तूप, तो बरखान बालू का स्तूप देखने को मिलता है। और गगर बेसिन या आपसे पूछे गगर बेसिन किन दो नदियों के मध्य है, तो सतलज और गगर नदियों के मध्य कौन सा है, गगर बेसिन है। इसे धान का कटोरा के नाम से भी जाना जाता है, यानी खाद्यान्नों के उत्पादन के लिए सबसे महत्वपूर्ण बेसिन कौन सा आपका, गगर बेसिन है। तो ये गगर बेसिन है, इससे रिलेटेड क्वेश्चन है, आप चाहे तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। गगर नदी नहीं पढ़नी है, वो नदियों में पढ़ेंगे आप, अभी तक इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। नेक्स्ट, दूसरा आपका है शेखावटी प्रदेश, कौन सा बताओ, शेखावटी प्रदेश। शेखावटी प्रदेश, शेखावटी प्रदेश में पूर्णतः आंतरिक प्रवाह की सबसे लंबी नदी बहती कांतली। आंतरिक प्रवाह की सबसे लंबी नदी कौन सी, गगर। पूर्णतः आंतरिक प्रवाह की जो केवल राजस्थान में बहती है सीकर से झुंझुनू, तो वो है कांतली। तो इसे बोलते हैं अंत्य प्रवाह क्षेत्र, अंत्य प्रवाह क्षेत्र। तो शेखावटी प्रदेश को और क्या बोलते हैं, अंत्य प्रवाह क्षेत्र के नाम से भी जाना जाता है। ये ध्यान रखें, शेखावटी का दूसरा नाम भी लिख सकते हैं अंत्य प्रवाह क्षेत्र। शेखावटी, राव शेखाकानी क्षेत्र का नाम शेखावटी पड़ा, ठीक है। शेखावटी क्षेत्र में कौन कौन से जिले आते हैं, यानी इसका विस्तार कहां कहां तक है, तो शेखावटी प्रदेश में तीन जिले आते हैं, सीकर, चूरू और झुंझुनू। सीकर, चूरू और झुंझुनू ये किस में आते हैं, बताओ, शेखावटी प्रदेश। उत्तरी नागौर भी आता है, लेकिन मुख्य रूप से तीन जिले आते हैं, सीकर, चूरू और झुंझुनू, शेखावटी प्रदेश में आते हैं। अब देखिए शेखावटी प्रदेश में मुख्य जो क्वेश्चन आता है वो आता है जोहड़ का। शेखावटी प्रदेश में पाए जाने वाले कुओं को आपको तय, वहां पर चूनेदार चट्टाने पाई जाती है, तो वहां पर आसानी से कुएं खोदे जा सकते हैं। तो शेखावटी प्रदेश में कुएं पाए जाने वाले कुओं को स्थानीय भाषा में क्या बोलते हैं, जोहड़। तो शेखावटी प्रदेश में जो कुएं पाए जाते हैं, क्या पाए जाते हैं, बताओ, कुएं पाए जाते हैं, उनको स्थानीय भाषा में
उनको स्थानीय भाषा में क्या बोलते हैं बताओ, जोहड़ कहा जाता है। ये स्टार लगा लीजिए, क्वेश्चन पूछा जाता है जोहड़ क्या है, तो शेखावटी क्षेत्र में पाए जाने वाले कुओं को स्थानीय भाषा में क्या बोलते हैं, जोहड़ बोलते हैं। नेक्स्ट है, नेक्स्ट जो आपका क्वेश्चन बन सकता है, शेखावटी क्षेत्र की मुख्य नदी कौन सी है, कांतली नदी, ये ध्यान रखें। शेखावटी क्षेत्र की मुख्य नदी कौन सी है, कांतली नदी है, जो खंडेला की पहाड़ियां सीकर से निकलती है और मंडेला झुंझुनू तक जाती है, खंडेला टू मंडेला, सीकर और झुंझुनू बहती है, झुंझुनू जिले के मध्य से, झुंझुनू जिले को दो भागों में बांटने वाली नदी कौन सी है, कांतली। कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं कि बताओ टोंक जिले को दो भागों में बांटने वाली नदी कौन सी है। तो देखिए कांतली नदी शेखावटी क्षेत्र की मुख्य नदी है, तो शेखावटी क्षेत्र की मुख्य नदी कौन सी है, कांतली नदी। शेखावटी देखिए एक होता तोरावटी बेसिन, तोरावटी बेसिन, ये तोरावटी बेसिन क्या है, तोरावटी की पहाड़ियां सीकर में पाई जाती है और सीकर में जो कांतली नदी का बेसिन है, यानी सीकर में जहां जहां कांतली नदी बहती है, सीकर में जहां जहां कांतली नदी बहती है उसको बोलते हैं तोरावटी बेसिन। तो सीकर में कांतली नदी के बेसिन को तोरावटी बेसिन कहा जाता है। शेखावटी क्षेत्र की मुख्य नदी कौन सी है, कांतली नदी है, ठीक है। अब आपसे शेखावटी क्षेत्र में पाए जाने वाले कुओं को क्या बोलते हैं, जोहड़ बोलते हैं। अब देखिए एक बड़ा था सर, ध्यान रखना सर, ये सर नहीं है कि जैसे ललित सर, ठीक है, या अन्य कोई सर, वो सर नहीं है, ये सर क्या है। तो देखिए जिस प्रकार हमने देखा था कि बालुका स्तूप वाले क्षेत्र में, मरुस्थलीय क्षेत्र में वर्षा काल में जो अस्थायी जिले बनती थी उन जिलों को रन बोलते थे, क्या बोलते थे रन, शेखावटी में बोलते हैं सर, क्या बोलते हैं सर। तो आपसे पूछेंगे क्या है, तालाब, जो तालाब बनते हैं शेखावटी क्षेत्र में, जो तालाब पाए जाते हैं उनको क्या बोलते हैं बताओ, सर, या बोल सकते हैं सरोवर, सरोवर बोलते हैं तो आप समझ जाओगे सरोवर, ठीक है। लेकिन शेखावटी क्षेत्र में जो तालाब पाए जाते हैं उन्हें बोलते हैं सर, जैसे जस्सू सर, नाम सुना होगा कभी, शेखावटी क्षेत्र में जस्सू सर, मई सर, मलसी सर, मलसी सर, मलसी सर, ये क्या है। तो आपसे पूछेंगे जस्सू सर, मई सर, मलसी सर, ये क्या है, तो ये आपको शेखावटी क्षेत्र में पाए जाने वाले क्या है, तालाब है। शेखावटी क्षेत्र में पाए जाने वाले क्या है, तालाब है, ठीक है। अब देखिए खेजड़ी का सर्वाधिक घनत्व कहां पाया जाता है, राजस्थान का राज्य वृक्ष खेजड़ी, प्रोसेपिस सिंडेरिया बोटनिकल नेम, खेजड़ी का सर्वाधिक घनत्व कहां पाया जाता है, तो शेखावटी क्षेत्र में खेजड़ी का सर्वाधिक घनत्व पाया जाता है, यह भी आपको ध्यान रखना है। और बात कर लें यदि खेजड़ी की, तो इसकी पूजा किसके अवसर पर की जाती है, दशहरे के अवसर पर इसके क्या क्या जाती है पूजा, इसे जाटी और समी के नामों से भी जाना जाता है, जाटी और समी के नाम से भी जाना जाता है। और खेजड़ी के हाल में एक नवीन किस्म विकसित की गई है, उसे बोलते हैं मरुशोभा। सांगरी के उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए खेजड़ी की एक नवीन किस्म विकसित की गई है, उसे बोलते हैं मरुशोभा। और एक केंद्रीय शुष्क बागवानी केंद्र बिछवाल बीकानेर के द्वारा विकसित की गई, ये भी आपको ध्यान रखना है। तो ये था आपका शेखावटी। और यहां पर वायु घाटियां पाई जाती है, उत्तरी अरावली में अरावली सतत नहीं होकर कटीफटी है, उनके बीच गैप पाया जाता है, तो ये मरुस्थलीकरण के लिए जिम्मेदार है। और गैप के कारण ही, वायु घाटियों के कारण ही पश्चिम मरुस्थल का विस्तार पूर्वी मैदान की ओर हो रहा है। आप चाहते हैं इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। नेक्स्ट पढ़ेंगे नागौरी उच्च भूमि। नेक्स्ट आपका नागौरी उच्च भूमि, पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश में अर्धशुष्क पड़ रहे हैं और अर्धशुष्क का तीसरा उपभाग है नागौरी उच्च भूमि। और नागौरी उच्च भूमि को तीन श्रेणियों में बांटा गया है। नागौरी उच्च भूमि को कितने श्रेणियों में बताओ, तीन श्रेणियों में बांटा गया, ये ध्यान रखें। नागौरी उच्च भूमि को तीन श्रेणियों में बांटा गया, तीन कौन कौन सी, तो पहली है मकराना श्रेणी, कौन सी बताओ, मकराना श्रेणी। दूसरी आपकी मांगलोद श्रेणी, मांगलोद श्रेणी, मांगलोद श्रेणी। और तीसरी आपकी है जायल श्रेणी। यदि आपको लेक्चर पसंद आ रहा तो लाइक करना ना भूले, क्योंकि अच्छे कंटेंट आपको प्रोवाइड किए जा रहे हैं, ठीक है। तो देखिए नागौरी उच्च भूमि को कितने श्रेणियों में बांटा गया, तीन श्रेणियों में, मकराना श्रेणी, मांगलोद श्रेणी, जायल श्रेणी। और आपको पता मकराना श्रेणी सफेद संगमरमर के लिए प्रसिद्ध है, मकराना श्रेणी किसके लिए प्रसिद्ध है, सफेद संगमरमर के लिए जानी जाती है। मांगलोद श्रेणी किसके लिए प्रसिद्ध है, तो मांगलोद श्रेणी जिप्सम के लिए प्रसिद्ध है, किसके लिए प्रसिद्ध है, जिप्सम के लिए। और जायल श्रेणी फ्लोराइड युक्त जलपट्टी, फ्लोराइड के लिए प्रसिद्ध है, किसके लिए, फ्लोराइड के लिए प्रसिद्ध है। एक एक करके इनको देखेंगे कि ये किस प्रकार आपको बताया कि यहां से कौन कौन से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले पढ़ेंगे मकराना श्रेणी, मकराना श्रेणी। तो पहला क्वेश्चन, मकराना श्रेणी किसके लिए प्रसिद्ध है, तो आपका आंसर होगा सफेद संगमरमर के लिए प्रसिद्ध है, सफेद संगमरमर के लिए प्रसिद्ध है। आपको था मकराना का संगमरमर विश्वभर में प्रसिद्ध है, सफेद संगमरमर के लिए प्रसिद्ध है। लेकिन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि मकराना में कौन सी किस्म का संगमरमर पाया जाता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, तो मकराना में कैल्साइट किस्म का संगमरमर पाया जाता है। कौन सी किस्म का संगमरमर पाया जाता है,
केलसाइट किस्म का संगमरमर पाया जाता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। नेक्स्ट है, यदि आपसे पूछेंगे मकराना सैनी सफेद संगमरमर के लिए प्रसिद्ध है, कौन सा संगमरमर है बताओ, केलसाइट किस्म का संगमरमर मिलता है। हाल ही में मकराना का संगमरमर क्यों चर्चा में रहा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, हाल ही में मकराना का संगमरमर क्यों चर्चा में रहा, तो हाल ही में जुलाई 2019 में मकराना के संगमरमर को IUGS की विश्व विरासत सूची में शामिल किया गया। IUGS की किस में, विश्व विरासत सूची में शामिल किया गया। अब देखिए यह IUGS क्या है और उसकी विश्व विरासत सूची क्या है, ठीक है, वर्ल्ड हेरिटेज क्या है, यूनेस्को की नहीं है दोस्तों, IUGS की विश्व विरासत सूची में शामिल किया गया है। तो देखिए जुलाई 2019 में मकराना का संगमरमर काफी चर्चा में रहा था अंतरराष्ट्रीय लेवल पर, क्योंकि इसको IUGS की विश्व विरासत सूची में शामिल किया गया। अब ये IUGS क्या है, तो इसकी फुल फॉर्म है इंटरनेशनल यूनियन ऑफ जियोलॉजिकल साइंस, याद रख लीजिए इंटरनेशनल यूनियन ऑफ जियोलॉजिकल साइंस। और इसकी स्थापना कब हुई, 1961 में, इसकी स्थापना कब हुई थी बताओ, 1961 में स्थापना हुई थी। और आपसे पूछा जाता है ये अंतरराष्ट्रीय गैर सरकारी संगठन है, सरकारी संगठन नहीं है, ये अंतरराष्ट्रीय गैर सरकारी संगठन है, गैर सरकारी संगठन है, तो ये अंतरराष्ट्रीय गैर सरकारी संगठन है, और जिसका उद्देश्य है कि बताओ इमारती पत्रों के बढ़ाओ, इमारती पत्रों के विकास को बढ़ावा देना और उनको संरक्षण करना, ठीक है। और स्थापना कब हुई, 1961 में। अब आपसे पूछेंगे इसका मुख्यालय कहाँ है, तो इसका मुख्यालय पेरिस में। और इसका सचिवालय कहाँ है, तो इसका सचिवालय बीजिंग चीन में, कहाँ बताओ, बीजिंग चीन में इसका क्या सचिवालय। तो वापस देख लेते हैं कि बताओ मकराना का संगमरमर को किस में शामिल किया गया, तो यूनेस्को की विश्व विरासत नहीं है, IUGS इंटरनेशनल यूनियन ऑफ जियोलॉजिकल साइंस की विश्व विरासत सूची में शामिल किया गया जुलाई 2019 में। इसके कारण ये मकराना का संगमरमर काफी चर्चा में रहा था। और IUGS क्या है, तो ये अंतरराष्ट्रीय गैर सरकारी संगठन है जो इमारती पत्रों के विकास और संरक्षण के लिए कार्य करता है। स्थापना कब हुई, 1961 में। मुख्यालय कहां बताओ, पेरिस में। और इसका सचिवालय कहां बताओ, बीजिंग में। और बताते आपको कि बताओ विक्टोरिया महल, विक्टोरिया महल जो कलकत्ता में है, विक्टोरिया महल, और ताजमहल जो आगरा में है, ताजमहल यमुना नदी के किनारे, ठीक है, ताजमहल जो आगरा में है, ठीक है, और सारनाथ स्तंभ, कौन सा सारनाथ स्तंभ, ये सारे के सारे किससे निर्मित हैं, मकराना के संगमरमर से निर्मित हैं। किससे निर्मित हैं, मकराना के संगमरमर से निर्मित हैं। तो ये था आपका मकराना सैनी जो सफेद संगमरमर के लिए जानी जाती है। नेक्स्ट, दूसरी श्रेणी आपकी मांगलोद श्रेणी, कौन सी श्रेणी बताओ, मांगलोद। देखिए मांगलोद श्रेणी, गोट मांगलोद का नाम सुना होगा, गोट मांगलोद, ठीक है, दधीमती माता गोट मांगलोद, और गोट मांगलोद किस खनिज के लिए जाना जाता है, जिप्सम के लिए जाना जाता है, तो गोट मांगलोद जिप्सम के लिए जाना जाता है, वही है मांगलोद श्रेणी। तो ये किसके लिए प्रसिद्ध है बताओ, जिप्सम के लिए प्रसिद्ध है, किसके लिए प्रसिद्ध है, जिप्सम के लिए। और आपको बता दूं सर्वाधिक जिप्सम में पहला स्थान रखता है बीकानेर, जिप्सम में पहला स्थान कौन रखता है बताओ, बीकानेर, जिप्सम में पहला स्थान रखता है बीकानेर, यह आपका बीकानेर है, जिप्सम में पहला स्थान बीकानेर, और इसके पास ही पड़ता है नागौर, बीकानेर से सीमा लगाता कौन, नागौर। तो देखिए बीकानेर पहला स्थान रखता है और नागौर दूसरा स्थान रखता है, किसमें बताओ, जिप्सम में। तो बीकानेर और नागौर के बीच जिप्सम का ही एक पट्टी पाई जाती है, बीकानेर और नागौर के बीच जिप्सम की एक बेल्ट या जिप्सम की एक पट्टी पाई जाती है, और उसी पट्टी को किस नाम से जाना जाता है, हार्ड पेन के नाम से जाना जाता है, किसके नाम से, हार्ड पेन के नाम से। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, स्टार लगा लीजिए, हार्ड पेन क्या है, हार्ड पेन क्या है, तो बीकानेर और नागौर के मध्य, बीकानेर और नागौर, क्योंकि जिप्सम में पहला स्थान बीकानेर दूसरा स्थान नागौर, इनके मध्य, क्योंकि यही जिप्सम पाया जाता है, तो बीकानेर और नागौर के मध्य जिप्सम की पट्टी पाई जाती है, जिप्सम की पट्टी पाई जाती है, जिप्सम की बेल्ट पाया जाता है, जिप्सम की पट्टी पाई जाती है, और उसी जिप्सम की पट्टी को क्या बोलते हैं अपन, हार्ड पेन के नाम से जाना जाता है। तो आपसे पूछेंगे गोट मांगलोद वैसे आपको जिप्सम के लिए प्रसिद्ध है, तो आपसे पूछेंगे मांगलोद सैनी किसके लिए जानी जाती है, जिप्सम के लिए जानी जाती है, जिप्सम में पहला स्थान कौन, बीकानेर, दूसरा कौन सा, नागौर, तो बीकानेर और नागौर के मध्य जिप्सम की पट्टी पाई जाती है, उसे क्या कहा जाता है, हार्ड पेन कहा जाता है। तो ये भी आप ध्यान रखें हार्ड पेन क्या है। नेक्स्ट, नेक्स्ट देखेंगे अपन जायल श्रेणी, तीसरी कौन सी आपकी, जायल श्रेणी, और जायल श्रेणी किसके लिए प्रसिद्ध है, फ्लोराइड युक्त जल के लिए, फ्लोराइड युक्त जल के लिए, फ्लोराइड युक्त जल के लिए। तो आपसे पूछेंगे जायल श्रेणी किसके लिए जानी जाती है, फ्लोराइड युक्त जल के लिए जानी जाती है, और फ्लोराइड युक्त जल पीने से फ्लोरोसिस, कौन सी रोग बीमारी हो जाती है बताओ, फ्लोरोसिस, जिसमें हड्डियां संगमंगूर हो जाती है, दांत पीले पड़ जाते हैं, फ्लोरोसिस आपका रोग हो जाता है।
अब देखिए जल में पाए जाने वाले अशुद्धियों के कारण, फ्लोराइड के कारण फ्लोरोसिस होता है, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं कैडमियम के कारण, जल में यदि कैडमियम अशुद्धि होगी तो कौन सा आपका रोग होगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जल में यदि कौन सी होगी बताओ, कैडमियम के कारण कौन सी अशुद्धि होती है, कैडमियम। नाइट्रेट के कारण, जल में यदि नाइट्रेट पाया जाता है तो नाइट्रेट के कारण कौन सा रोग होता है, ठीक है, तो कैडमियम के कारण कौन सा होता है, नाइट्रेट के कारण। मरकरी पारा के कारण कौन सा रोग होता है, तो इसका आंसर कमेंट बॉक्स में बताएं। जल में पाई जाने वाला फ्लोराइड के कारण फ्लोरोसिस, तो कैडमियम के कारण कौन सा होता है, नाइट्रेट के कारण कौन सा होता है, मर्क्यूरी के कारण कौन सा होता है, इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। यदि आपको साइंस का तो हल्का सा बेसिक आपको नॉलेज है तो देखिए जलारे जो जाहिल श्रेणी है फ्लोराइड जल के लिए, इसके कारण जो रोग होता है उसे बोलते हैं फ्लोरोसिस। अब देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, वो है आपका कुब्बड़ पट्टी, कौन सी पट्टी, कुब्बड़ पट्टी, इसे बोलते हैं बांका पट्टी, क्या बोलते हैं, बांका पट्टी, और इंग्लिश में बोलते हैं इसे हॉच बेल्ट, क्या बोलते हैं, हॉच बेल्ट, हॉच बेल्ट। अभी देखिए आरपीएससी के एग्जाम में पूछा गया था बांका पट्टी कहां है, अब लोगों ने सोचा कि कुबड़ पट्टी, तो देखो शेर वाले लोग बड़ी मुश्किल से कुबड़ नाम याद कर पाते हैं, और कुबड़ तो आया नहीं, आ गया बांका पट्टी, ठीक है, तो उन लोगों ने सोचा ये कौन सी पट्टी है। तो अब देखिए जो लोग ग्रामीण क्षेत्र से उनको तो पता कुबड़ के समान, ठीक है, रीढ़ की हड्डी कुबड़ के समान तिरछी हो जाती है, आपको पता बांकी हो जाती है, लेकिन मान लीजिए शेर के लोगों कुबड़ बड़ी मुश्किल से याद करा था और वहां आ गया बांका, लेकिन मान लीजिए तो वो बड़े आपको पता सोच विचार में पड़ गए, लेकिन यदि मान लीजिए वहां पर ऐसा आ जाता होच बेल्ट कहां है, ठीक है, तो नागौर वाले होच में पड़ जाते हैं, सोच में पड़ जाते हैं कि होच बेल्ट कहां है, तो जाने इसी का इंग्लिश नाम है कुबड़ पट्टी को, और किस नाम से जानते हैं इंग्लिश में, होच बेल्ट के नाम से जाना जाता है, ये भी ध्यान रखें, या इसका नाम आ सकता है बांका पट्टी। तो ये है क्या, अजमेर और नागौर के मध्य, किसके मध्य बताओ, अजमेर और नागौर के मध्य फ्लोराइड युक्त जल पट्टी पाई जाती है, अजमेर नागौर के मध्य फ्लोराइड युक्त जल पट्टी है, फ्लोराइड युक्त जल पट्टी है, और इसी को अपन क्या बोलते हैं बताओ, फ्लोराइड युक्त जल पट्टी पाए जाने के कारण आपको पता है रीढ़ की हड्डी तिरछी हो जाती है, तो इसे कुबड़ पट्टी, बांका पट्टी या होच बेल्ट के नाम से जाना जाता है, ठीक है। तो पूछ सकते हैं आपको कुबड़ पट्टी सबको याद है, बांका पट्टी, लेकिन होच बेल्ट भी याद रखना, होच बेल्ट क्या है, ठीक है। अब देखिए एक और आता है, एक नोट के रूप में लिख लीजिए, जो अक्सर एग्जाम में पूछा भी जाता है, हमने देखो हार्ड पेन पढ़ लिया, हार्ड पेन पढ़ लिया, लाठी सीरीज पढ़ ली, और होच बेल्ट एंड कुबड़ पट्टी पढ़ ली, एक और पट्टी आती है वो ग्रीन फायर बेल्ट, ग्रीन फायर बेल्ट, ग्रीन फायर बेल्ट, क्या है ग्रीन फायर बेल्ट, इसे बोलते हैं हरी अग्नि, हरी अग्नि पट्टी, हरी अग्नि पट्टी। और आपको पता हरी अग्नि किस खनिज को बोलते हैं, तो आपको पता पन्ना को, किसे बोलते हैं, हरी अग्नि किसके को बोलते हैं, किस खनिज को बोलते हैं, जो कीमती पत्थर है पन्ना, उसको क्या बोलते हैं बताओ, हरी अग्नि कहा जाता है, ठीक है। और हरी अग्नि को इंग्लिश में बोलते हैं ग्रीन फायर, हरी अग्नि क्या बोलते हैं, ग्रीन फायर। और हरी अग्नि कहां पाई जाती है, हाल ही में पन्ना के नवीनतम जो भंडार मिले हैं वो मिले हैं अजमेर, अजमेर में एक गांव का नाम है बुबानी, कौन सा, बुबानी, और राजसमंद में नाथद्वारा, राजसमंद में कौन सा है, नाथद्वारा, इनके बीच हाल ही में पन्ना का एक भंडार मिला है, यानी इन दुख के बीच एक पन्ना की पट्टी मिली है, और यहां पर इस बेल्ट में क्या पाया जाता है, पन्ना पाया जाता है। हाल ही में बुबानी अजमेर से लेकर नाथद्वारा राजसमंद के बीच एक पन्ना की पट्टी मिली, किसकी पट्टी मिली है, पन्ना का बेल्ट मिला है, और उसी बेल्ट, पन्ना को क्या बोलते हैं, हरी अग्नि, इंग्लिश में बोलते हैं ग्रीन फायर बेल्ट, इसलिए इसे बोलते हैं ग्रीन फायर बेल्ट। तो ग्रीन फायर बेल्ट भी पूछा तो किन दो जिलों के मध्य है, अजमेर और राजसमंद के मध्य है, और किस खनिज से संबंधित है, तो पन्ना से संबंधित है, ये भी आप याद रखें ताकि एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन आपका साथ के साथ चलती रहे। नेक्स्ट, हमने अर्धशुष्क प्रदेश में गगर बेसिन कंप्लीट कर लिया, शेखावटी प्रदेश कंप्लीट कर लिया, नागौरी उच्च भूमि कंप्लीट हो गया, तीन श्रेणियां थी तीनों कंप्लीट हो गई। अब चलते हैं लास्ट आपका अर्धशुष्क में, वो है लूणी बेसिन, कौन सा है, लूणी बेसिन। लूणी की जो सहायक नदी है, लूणी की सबसे लंबी सहायक नदी है जवाई, तो इसका ऐसा नाम भी मिलता है लूणी जवाई बेसिन, कई जगह लूणी बेसिन एक ही मिलता है, कई जगह मिलता है लूणी जवाई बेसिन। तो देखिए लूणी नदी राजस्थान के छह जिलों में बहती है, लूणी नदी राजस्थान के कितने जिलों में, छह, और राजस्थान के छह छह जिलों में बहने वाली तीन नदियां हैं, और वो तीन नदियां कौन सी है, तो बताओ तीन नदियां हैं, चंबल में तीनों नदियां हैं, चंबल, बनास, लूणी, चंबल, बनास और लूणी, ये राजस्थान के छह छह जिलों में बहती है, चंबल भी छह जिलों में, बनास भी छह जिलों में, और लूणी भी छह जिलों में, और चंबल में तीनों नाम छिपे हुए हैं, चंबल, बनास, लूणी, ये राजस्थान के छह छह जिलों में बहती है। लूणी अजमेर के नागपाड़ से निकलती है, अजमेर के बाद नागौर, पाली, पाली, उसके बाद जोधपुर, बाड़मेर और जालौर में, और जालौर के बाद ये गुजरात में चली जाती है। तो देखिए लूणी की बात करें तो लूणी की मुख्य सहायक नदी कौन सी, सबसे लंबी सहायक नदी वो है जवाई, जो पाली के गोराया ग्राम से निकलती है, और जवाई बांध भी बना हुआ इसका पाली में, ठीक है, और जवाई कंजर्वेशन भी है जो तेंदुए के लिए प्रसिद्ध है। तो देखिए लूणी जवाई बेसिन ये मुख्य रूप से फैला पाली और जालौर में, मुख्य रूप से कहां बताओ, पाली और जालौर में,
और आपको मैं बता दूं पाली और जालोर में गोड़ जाति के लोग रहते थे। किस जाति के लोग रहते थे? गोड़ जाति के लोग रहते थे, इसलिए इसे बोलते हैं गोडवाड़ प्रदेश। इसलिए इस प्राचीन काल में इसे क्या बोलते थे? गोडवाड़ प्रदेश बोलते हैं। क्या बोलते हैं? गोडवाड़ प्रदेश। और ये क्वेश्चन स्टार लगा लीजिए और इंपॉर्टेंट लगा लीजिए, इतनी बार रिपीट हुआ है जितना इस चैप्टर से कोई क्वेश्चन नहीं हुआ। गोडवाड़ प्रदेश से, गोडवाड़ प्रदेश किस को बोलते हैं? लूणी जवाई बेसिन को क्या बोलते हैं? गोडवाड़ प्रदेश के नाम से जाना जाता है। तो देखिए लूणी जवाई बेसिन का दूसरा नाम क्या है? तो लूणी जवाई बेसिन कहां फैला? पाली और जालोर में। यहां पर गोड़ जाति के लोग रहते थे इसलिए इसे क्या बोलते हैं? गोडवाड़। जैसे मेव जाति के लोग रहते थे मेवात, तो गोड़ जाति के लोग रहते थे क्या बोलते हैं? गोडवाड़। तो गोडवाड़ प्रदेश बताओ किसको बोलते हैं? लूणी जवाई बेसिन को बोलते हैं। तो गोडवाड़ प्रदेश किस में आता है? लूणी जवाई बेसिन में आता है, ठीक है। और आपको गोडवाड़ प्रदेश ऐसा भी पूछ सकते हैं किस भौतिक प्रदेश में आता है? पश्चिम मरुस्थल में आता है, उसके भी शुष्क में अर्ध शुष्क में, तो अर्ध शुष्क में आता है क्योंकि हम अर्ध शुष्क पढ़ रहे हैं, लूणी बेसिन उसी का पार्ट है। तो यहां पे हमने देखा कि बताओ लूणी बेसिन किस में आता है? अर्ध शुष्क प्रदेश में आता है, ठीक है। अर्ध शुष्क को चार भागों में बांटा था और लूणी बेसिन का दूसरा नाम गोडवाड़। गोडवाड़ क्यों पड़ा वो भी हमने देख लिया था। तो आज अपना पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश का अर्ध शुष्क भाग भी कंप्लीट होता है। इस प्रकार कंप्लीट राजस्थान का भौतिक प्रदेश एक मेजर और इंपॉर्टेंट टॉपिक है, वो आज अपने कंप्लीट कवर कर लिया, ठीक है। अब नेक्स्ट लेक्चर कौन सा पढ़ना चाहते हो राजस्थान ज्योग्राफी में, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके, ताकि नया लेक्चर उसी के अकॉर्डिंग शुरू किया जाए। और उससे पहले मैं इसकी प्रैक्टिस कराऊंगा, 100 क्वेश्चन लगभग 50 से 100 क्वेश्चन में इसके कंप्लीट कराऊंगा ऑब्जेक्टिव, ठीक है, ताकि आप अपनी तैयारी कंप्लीट कर लें। चैप्टर पढ़ा दिया है, आप एक दो दिन में अपनी तैयारी को रिवाइज कर लें और फिर अपन क्वेश्चन आंसर के साथ आएंगे और इसकी एक बार और अच्छे से रिवीजन लगा लेंगे। धन्यवाद दोस्तों, थैंक्स फॉर वॉचिंग।